अनवारे रमजान के इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में ब्रादरान इस्लाम आप सबको एक बार दबा फिर K21 न्यूज के प्लेटफॉर्म से आपकी मेजबान रिदा सैफी खुश आमदीद कहती हूँ। आज जुम्मे का मुबारक दिन, दिनों का बादशाह, दूसरा जुम्मा, साथ ही रहमत का अशरा जो कि हमसे इस वक्त रुख्सत ले रहा है और दूसरे अशरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं रमजानुल मुबारक के। साथ ही जी हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं इस सेगमेंट में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन हमारे मेहमान यहाँ होते हैं और आज हमें जी ज्वाइन कर रहे हैं सरदार रहीम साहब हैं और GDA से उनका ताल्लुक है, मुस्लिम लीग फंक्शनल से भी उनका ताल्लुक है, साथ ही जी स्पोक पर्सन है खासतौर पर उनके इन्फॉर्मेशन के उस हवाले से, और आप उन्हें हमारे प्रोग्राम में पहले भी देख चुके हैं मुख्तलिफ, आप उनको टॉक शोज में और उसमें देखते हैं। आज हम उनसे थोड़ी सी दूसरे लिहाज से बात करेंगे। वैसे तो टॉक शोज वगैरह में आप उनको पॉलिटिकल उनका जो एक ग्रुप है वो देखते रहते हैं। मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सरदार रहीम साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। रमजान का बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह करे। ये बताएं सबसे पहले जो कि हमारे जैसे मेहमान आते हैं तो मेरा उनसे रोजाना ये सवाल होता है कि रमजान मुबारक का महीना भी है, सियासत भी करनी है, अभी हम इलेक्शन भी आ रहे हैं 49 के देख रहे हैं जिस तरह से, तो सारी चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं ऑल टुगेदरली? देखिए रमजान मुबारक माशाल्लाह से ऐसा महीना है जो बरकतों का महीना, लेकिन ये महीना दूसरे महीनों से या किसी और वक्त से मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। जो इबादत आपको हर वक्त करनी चाहिए वो रमजान में भी आप करते हैं। आपको जो आपकी सीरत है, यानी कि अगर आपको झूठ नहीं बोलना, आपको किसी को धोखा नहीं देना, आपको किसी का गबन नहीं करना, वो दूसरे महीनों में भी उसी तरह से करना चाहिए जैसे रमजान में आप सोचते हैं करने का।